हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल मैथ्स मिंट बाय कमलेश। अभी मैं सॉल्व करूंगा क्लास 10 के लिए मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन 2 चैप्टर इज प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन में है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। ये डिफरेंट फोर स्टेप्स में, ये फोर क्वेश्चंस में ये डिफरेंट ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। उसमें कहता है कौन सा एक्सपेरिमेंट इक्वली लाइकली आउटकम देगा। ठीक है, अब इक्वली लाइकली आउटकम का क्या मतलब? इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब एन इक्वल चांस ऑफ हैपनिंग, माने हमेशा फेवरेबल आउटकम एक जैसा होगा। जैसे हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड का पॉसिबिलिटी 1/2 है, टेल का पॉसिबिलिटी भी 1/2 है। एक डाइस है, उसमें 1 का पॉसिबिलिटी क्या है आने का? 1/6। 2 का पॉसिबिलिटी क्या है? उसका भी 1/6। 3 का भी 1/6। इस तरह से हमेशा फेवरेबल आउटकम सेम है। ठीक है, और वो किसी दूसरे कंडीशन पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए फेवरेबल आउटकम्स हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन इसमें दिया है ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार। एक ड्राइवर कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, इसका पॉसिबिलिटी आउटकम क्या होगा डिफरेंट हो सकता है। इसलिए कि कार का स्टार्ट होना और नहीं होना बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कार बहुत पुरानी है, उसमें बैटरी नहीं है या फ्यूल नहीं है तो वो स्टार्ट नहीं होगा, या गाड़ी बिल्कुल नहीं है उसमें फ्यूल भी है बैटरी भी ठीक है तो गाड़ी स्टार्ट होगा। इसलिए गाड़ी स्टार्ट होने और न होने का कारण बहुत सारा हो सकता है। ये इक्वल हमारा चांसेस नहीं है, इक्वल पॉसिबिलिटी नहीं होता है इसमें, इसलिए इसको हम लिखेंगे कि ये इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सपेरिमेंट का नहीं है। तो लिख देंगे यहाँ पर इट इज नॉट इक्वली लाइकली आउटकम बिकॉज स्टार्टिंग और not starting the car depends on multiple factors। इसलिए ये क्या होगा, मल्टीपल फैक्टर पर डिपेंड करता है, इसलिए इक्वली आउटकम होने का चांस नहीं है। ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल, ही सी शूट्स और मिसेस द शॉट। इसमें भी क्या है, कोई भी अगर बास्केटबॉल खेलता है तो उसके रिंग में बॉल डालना या न डालना ये डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अगर खिलाड़ी बहुत एक्सपर्ट है तो वो डाल सकता है, अगर खिलाड़ी नया हो तो दो चार बार या कई बार अटेम्प्ट करने के बाद ऐसा कर सकता है। इसलिए इसमें भी क्या होगा, इक्वली लाइकली आउटकम नहीं हो सकता है। इस इक्वली लाइकली आउटकम इसलिए नहीं होगा कि इस ये रिंग में बॉल डालना बहुत सारे कारण पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम जैसे टॉस करते हैं किसी सिक्के का तो या तो हेड होगा या टेल होगा, उसमें और दूसरा फैक्टर्स नहीं है, होना ही है या तो ये होगा या वो होगा। लेकिन इस सब में क्या है, कार का स्टार्ट होना नहीं होना, रिंग में बास्केटबॉल में बॉल डालना या नहीं डालना बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं कि इक्वली लाइकली आउटकम ये नहीं है। तो इसमें भी लिखेंगे इट इज नॉट इक्वली लाइकली आउटकम बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स लाइक प्लेयर इज एक्सपर्ट और नोविस, माने नया है। ठीक है, तीसरा है ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। अब ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में आंसर देना और किसी कंडीशन पर डिपेंड नहीं करता, या तो आंसर हम में ट्रू लिखेंगे या फॉल्स लिखेंगे, इसके लिए कोई अदर फैक्टर्स इसमें नहीं है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं जो ये इक्वली लाइकली आउटकम है। तो लिखेंगे यस इट इज इक्वली लाइकली
outcomes because only options are true or false. One of them is correct. एक करेक्ट होगा, या तो ट्रू करेक्ट होगा या फॉल्स करेक्ट होगा, दोनों में से एक होगा। इसलिए इसका पॉसिबिलिटी क्या होगा, 1/2 और 1/2 होगा, तो इक्वली लाइकली आउटकम्स हो गया। अब है फोर्थ में, ए बेबी इज बॉर्न, इट इज ए बॉय और ए गर्ल, तो ये भी होगा। अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो या तो बॉय होगा या गर्ल है, और बहुत सारे कंडीशन पर इसका कोई डिपेंडेंस नहीं है इस एक्सपेरिमेंट का, इसलिए ये भी क्या होगा, यस इट इज इक्वली लाइकली आउटकम बिकॉज द ओनली पॉसिबिलिटी आर टेकिंग बर्थ of either boy or a girl, ठीक है। it if not boy then the girl and vice versa, ठीक है। यही इसका आंसर है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को शेयर करें। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक्स।